द मैच गर्ल स्ट्राइक एक ऐसी स्ट्राइक थी जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ग्रेट ब्रिटेन को भी हिलाकर रख दिया था, जिसे अभी हाल ही में आई फिल्म इनोला होम्स में आधार बनाया गया है। मैच गर्ल स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व लड़कियां सच में हिस्टोरिकल फिगर्स थी, जिसमें सबसे पॉपुलर कैरेक्टर सैरा चैपमैन का था। ये बात है सन 1888 की, जहां अचानक एक दिन एक मैच बॉक्स फैक्ट्री से लड़कियां बीमार और गायब होना शुरू हो जाती हैं। अब उस फैक्ट्री में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहां से लड़कियां गायब होना शुरू हो जाती हैं, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये कहानी सन 1888 के ब्रिटेन की है, जिसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं लंदन की ब्रायंट एंड मे नाम की एक मैच बॉक्स फैक्ट्री से। ब्रायंट एंड मे एक कार्टल ग्रुप की फैक्ट्री थी जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। एक दिन अचानक उस फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियां बीमार होने लगती हैं। शुरुआत में तो हर कोई इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो सबका ध्यान उसकी तरफ आता है। दरअसल में वहां लड़कियां एक फौजी जॉ नाम की बीमारी से मरना शुरू हो जाती हैं। फैक्ट्री का कामकाज ना रुके और बाहरी दुनिया को इसके बारे में ना पता चले, इसलिए फैक्ट्री ऑफिशियल्स इस बीमारी को टाइफस आउटब्रेक का नाम दे देते हैं। पॉलिटिकली स्ट्रांग होने की वजह से पुलिस और गवर्नमेंट दोनों ही इस केस की उस लेवल पर छानबीन नहीं करते हैं जो एक्चुअली होनी चाहिए थी, क्योंकि मैच बॉक्स इंडस्ट्री लेट 18th सेंचुरी में काफी स्ट्रांग हुआ करती थी, जिसके पास प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट और पावर्स थी। ये कंपनीज फोर्सफुली व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल करती थी मैच बॉक्स मेकिंग के लिए, जो बहुत ही हार्मफुल था, जबकि मार्केट में रेड फॉस्फोरस पहले से ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका था, जो सेफ अल्टरनेटिव था व्हाइट फॉस्फोरस का। लेकिन फिर भी कंपनीज व्हाइट फॉस्फोरस ही इस्तेमाल करती थी उसकी कम कीमत होने की वजह से, जो कारण था एक लाइलाज बीमारी फौजी जॉ का। दरअसल में फौजी जॉ एक तरह का बोन कैंसर था जो उन लड़कियों को फॉस्फोरस में एक्सपोजर की वजह से हो रहा था। इसको दबाने के लिए ऑफिशियल्स ने टाइफस आउटब्रेक का नाम दे दिया था। फॉस्फोरस का इस्तेमाल उस फैक्ट्री में मैच बॉक्स मेकिंग के लिए किया जाता था, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल था ब्रायंट एंड मे जैसी कंपनीज के लिए। उस कंपनी में मोस्टली लड़कियां ही मैच बॉक्स मेकिंग का काम किया करती थी। ज्यादातर सभी लड़कियां 13 साल की उम्र से ही वहां पर काम करना शुरू कर देती थी। ये लड़कियां दरअसल में वो लड़कियां थी जो लंदन के ईस्ट एंड में रहा करती थी। ये लड़कियां इमिग्रेंट्स थी जो वहां के आसपास के नेबरहुड से आए थे वहां कामकाज की तलाश में। इन लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर ब्रायंट और मे कंपनी के ऑफिशियल्स उन लड़कियों से पूरा पूरा दिन मैच बॉक्स मेकिंग का काम कराया करते थे। हालात इतने खराब थे कि अगर वो लड़कियां कोई अनशेड्यूल्ड ब्रेक्स भी लेती थी तो उन्हें उसके कंपनी को पैसे देने होते थे। अब्यूसिव बिहेवियर, हेल्थ इश्यूज और डेंजरस मशीन ऑपरेशंस उस फैक्ट्री में रोज की कंडीशन हुआ करती थी, और ऐसी ही कंडीशन में लड़कियां फास्फोरस के चपेट में आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक लाइलाज बीमारी हो जाती है जिसका नाम फौजी जॉ था। फौजी जॉ एक ऐसी बीमारी थी जिसमें किसी भी इंसान के जॉ एक्सटेंड होना शुरू हो जाते थे, जिसके बाद उसमें इतना दर्द होता था कि सामने वाले की मौत हो जाती थी। इसी चीज का फायदा उठाकर कंपनी ऑफिशियल्स को जिन लड़कियों पर शक होता था कि वो शायद फौजी जॉ की चपेट में आ गई हैं, वो उन्हें या तो रातों रात गायब करवा देते थे या फिर कंपनी से निकालकर छोड़ देते थे मरने के लिए। फिल्म की ही तरह उस समय भी लड़कियों की ऐसी हालत देखकर कुछ लड़कियां कंपनी के खिलाफ आवाज उठाती हैं, जिनमें वो कैरेक्टर सैरा चैपमैन भी होता है, जो हमें इनोला होम्स के दूसरे पार्ट में देखने को मिला है। शुरुआत में किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये लड़कियां फौजी जॉ की चपेट में कैसे आ रही हैं, लेकिन सैरा और उसके साथ की लड़कियां इस बात का पता लगा लेती हैं कि ये सारी प्रॉब्लम उसी व्हाइट फास्फोरस की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही थी। इसलिए सैरा दूसरी लड़कियों को भी इस बात से अवेयर करने लगती है, लेकिन कंपनी ऑफिशियल्स की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद शुरू होता है चूहे और बिल्ली का खेल। इनोला होम्स में इस केस को एक इंटरेस्टिंग मोड़ देने के लिए एक मर्डर मिस्ट्री और किडनैपिंग से जोड़ा गया है, जिसमें शर्लॉक की छोटी बहन इनोला सारे सबूत इकट्ठे करती है और इस केस को सॉल्व करती है। लेकिन रियल लाइफ में ये इतना आसान नहीं था। अगर इस इंसिडेंट की बात करें तो सैरा की लगाई चिंगारी को हवा उस समय मिल जाती है जब एक लड़की को कंपनी मैनेजमेंट फोर्सफुली और ब्रूटली वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और छोड़ देते हैं मरने के लिए, जिसके बाद इन गरीब लड़कियों की वर्स्ट कंडीशन के बारे में एक्टिविस्ट एनी बेसेंट और हर्बर्ट बरोस को पता चल जाता है। ये लड़कियां उस लड़की के साथ हुए बिहेवियर से शॉक्ड होती हैं और सैरा जैसी
जैसी दूसरी एक्टिविस्ट लड़कियों के कहने पर काम करना बंद कर देती हैं। इसको सपोर्ट मिलता है एनी बेसेंट और हर्बर्ट बुरोस के एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से। ये आर्टिकल दरअसल में बहुत बोल्ड मूव होता है जो उस समय की पावरफुल मैच मेकिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख देता है। जुलाई 1888 में उस लड़की के साथ हुए उस बिहेवियर और उस हादसे की वजह से मोस्टली लड़कियां काम करने से मना कर देती हैं, जिसके बाद होती है उस समय की सबसे बड़ी मैच बॉक्स स्ट्राइक, जिसमें ब्रांड एंड मेकअप कंपनी के 1500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं। इस स्ट्राइक का असर ये होता है कि कंपनी मैनेजमेंट को उस लड़की को कंपनसेशन और जॉब दोनों वापस देने पड़ते हैं। पर बावजूद इसके अनफॉर्चुनेटली ब्रांड एंड मे जैसी कंपनीज को रेड फॉस्फोरस, जो कि एक सेफ ऑप्शन था, उसे अडेप्ट करने में डिकेड से भी ज्यादा का समय लग जाता है। इस बीच ना जाने कितनी मासूम लड़कियों ने अपनी जान गवाई होगी, ये बात सोचने वाली है। सारा चैपमैन जैसी लड़कियां सालों तक इस व्हाइट फॉस्फोरस और ब्रांड एंड मे जैसी कंपनीज के खिलाफ लड़ती रही, जबकि उन्हें कामयाबी मिली सन 1908 में, जब वहाँ की गवर्नमेंट ने व्हाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल को इलीगल कर दिया। ये एक नया सवेरा था जहाँ जीत उन लड़कियों की हुई थी जिन्होंने गलत का साथ ना देते हुए उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी। मैच गर्ल स्ट्राइक ब्रिटेन की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसने उस समय के इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिलाकर रख दिया था। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।